वर्तमान में विश्व सहित संपूर्ण देश में फैल चुका कोरोना वायरस अब महाराष्ट्र राज्य में तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग दिन रात एक कर नागरिकों की सुरक्षा व बचाव के लिए अपने ड्यूटी पर लगे हैं। इसलिए इन्हें भी खतरनाक संक्रमण ना हो, इसके तौर पर इन पुलिस जवानों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल सैनिटाइजर वैन की व्यवस्था की गई है। सबको मालूम है कि पूरे देश में कोरोना बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैली है। इसकी लड़ाई के लिए सारे लोग तैयार हैं। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इस लड़ाई में। नागपुर शहर में पुलिस अधिकारी कर्मचारी 13 घंटे 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे एक वाहन तैयार किया है, जिसका नाम हमने परिवारजन वाहन दिया है। इस वाहन में पानी के फवारे हैं और उसमें हाइपोक्लोराइड युक्त पानी बाहर आएगा, जिससे उनके कपड़े पे, शरीर पे पड़ेगा और अगर कोई विषाणु कीटाणु है तो समाप्त हो जाएगा। तो पुलिस की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे एक वाहन बनाया है और पूरे 5 जोन के लिए 5 वाहन बना रहे हैं, ताकि हमारे पुलिस अधिकारी अच्छे ढंग से काम कर सकें और उनको कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इथे जुना काटोल नाका इथे नाकाबंदी सुरू आहे। माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय साहेब व सहपोलीस आयुक्त रवींद्र कदम साहेब यांच्या पुढाकारामुळे आज परिमार्जन व्हॅन सुरू झालेली आहे। आज पहिलाच दिवस आहे, प्रत्येक आज ही पहिलीच व्हॅन सुरू केलेली आहे। जिथे जिथे नाकाबंदी आहे, पोलीस स्टेशन आहे, काही एक व्यवस्था नाही आहे, सर्टिलायझेशन होण्याला पाहिजे यासाठी पूर्ण शरीर, आताच आपण बघितलं इथं सर्व कर्मचारी अधिकारी यांनी सर्टिलायझेशन केलेलं आहे। यामुळे उद्देश हा आहे का आपण काम करतो रस्त्यावर 12-12 घंटे 14-14 घंटे कर्मचारी अधिकारी काम करतायत। सिटी साहेबांनी, भूषण कुमार उपाध्याय साहेबांनी हा खूप चांगला उपक्रम केलेला आहे, जेणेकरून कोरोना विषाणू हा पोलिसांमध्ये व नागरिकांमध्ये फैलावणार नाही, त्याची लागण होणार नाही याची दक्षता घेतलेली आहे। आम्ही खूप आभारी आहोत। यामुळे कर्मचाऱ्यांचा, अधिकाऱ्यांचा उत्साह काम करण्यासाठी वाढलेला आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।